फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे किचन में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ केले के फूल की सब्जी, जिसे बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है और ये बहुत स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। तो चलिए अब हम बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने केले के फूल को ले लिया हुआ, ये आप देख सकते हैं। तो इसके बाद जो ये हमारा फूल है, इसे हम तोड़ लेते हैं केले का, और इसके बाद इसकी हम सफाई कर लेंगे। तो यहाँ पे एक मैं इसकी एक ऐसे लंबी सी डंठी होती है, इसे भी हम तोड़ लेंगे और इसका नीचे का कवर भी निकाल लेंगे। तो इसी तरह से हम सारे के सारे केले के फूल को तोड़कर साफ कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक एक करके निकाल लिया हुआ है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे ही केले के फूल को मैंने साफ कर लिया हुआ है। आप भी इसी तरीके से कर लें। इसके बाद मैंने एक पैन में पानी ले लिया होता है, उसमें थोड़ा सा हल्दी ऐड कर देंगे। हल्दी ऐड कर लेने के बाद हमने जो केले के फूल को साफ किया होता उसे हम पानी में ऐड कर देंगे, हल्दी वाले, और इसमें थोड़ा सा हम नमक भी ऐड कर देंगे। नमक ऐड कर लेने के बाद अब हम इसे ढक देते हैं। ढक कर हम इसे कम से कम 10 से 15 मिनट हम इसे बॉईल कर लेंगे। तो 10 से 15 मिनट बाद मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। तो ये देखिए, ऑलमोस्ट केले के जो फूल है वो अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। तो इसके बाद अब हम इस पैन से इसे निकाल देंगे और ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं। इसके बाद मैं एक और पैन ले लूंगी, उसमें हम यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड कर लेंगे। ऐड कर लेने के बाद यहाँ पे मैं जीरा और तेज पत्ते का तड़का लगाऊंगी। इसके बाद थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन हो जाने के बाद मैं एक बड़ा सा प्याज कट कर लिया था, उसे भी हम ऐड कर देंगे। और 2 से 3 मिनट हम सिर्फ प्याज को भून लेते हैं। जैसे ही ये 2 से 3 मिनट प्याज हमारी एकदम अच्छे से भून जाती है, तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी कुछ पीसेस बड़े बड़े कटे हुए आलू के। आप इसे ऑप्शन। इसके बाद अब हम आलू को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। जब तक कि आलू हमारा अच्छे से ब्राउन ना हो जाता, तब तक हम इसे कंटिन्यू चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। तो जैसे ही ये थोड़ी देर बाद फ्राई हो जाएगी, तो मैं इसे ढक दूंगी। ढक कर फिर से कम 5 मिनट तक हम इसे पका लेते हैं, ताकि जो आलू है वो हमारा अच्छे से गल सके। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा आलू जो हल्का सा फ्राई हो गया, तो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी हल्दी। उसके बाद अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक आप ऐड कर लें। तो मैंने यहाँ पे नमक को ऐड कर लिया हुआ। ऐड कर लेने के बाद अब हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं आलूओं के साथ। नमक ऐड करने से आलू जो है वो हमारा जल्दी से पक जाएगा। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हल्का सा फ्राई हो चुका है। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी भीगी हुई चना मैंने रखी हुई थी। आप थोड़ा सा चना भिगो ले पहले से ही। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया हुआ चना। ऐड करने के बाद भी हम इसे कम से कम 10 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं फ्राई कर लेती हूँ सारे चने को। तो चना फ्राई हो जाने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी कुटी हुई अदरक और लहसुन। अदरक लहसुन ऐड करने के बाद भी हम इसे कम से कम 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। फ्राई हो जाने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी एक बड़ा कटा हुआ टमाटर का पीस। अगर आपको टमाटर ना पसंद है तो ना डालें। तो मैंने यहाँ पे एक टमाटर को ऐड कर दिया हुआ है। टमाटर ऐड करने के बाद अब हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा ढककर। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट टमाटर हमारा हल्का सा फ्राई हो चुका है। तो इसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी कुछ सूखे मसाले। तो मैंने यहाँ पे धनिया जीरा पाउडर ऐड किया हुआ है। इसके बाद मैं यहाँ पे चिली पाउडर ऐड कर लूँगी। अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप ऐड कर लें। तो मेरे घर पे ये बच्चे खाएंगे, तो मैंने थोड़ा तीखा कम ही रखा हुआ है। तो इसके बाद अब हम मसालों को अच्छे से भून लेते हैं सारे ही इन्ग्रीडियंट्स के साथ। तो यहाँ पे मसाले भी हमारे ऑलमोस्ट थोड़ी देर तक अच्छे से भून चुके हैं। देख सकते हैं आप, पैन को एकदम पकड़ रहा है मसाले हमारे। तो इसी स्टेज पर हमने जो केले के फूल को बॉईल करके रखा हुआ था वो ऐड कर देंगे। और गैस को मीडियम टू लो फ्लेम पे रखते हुए हम इसे कम से कम 10 से 15 मिनट तक हल्की आंच पे भूनेंगे, ताकि जो ये केले का फूल है वो मसालों के साथ अच्छे से मिक्स हो सके। तो मैं इसे कंटिन्यू चलाते हुए भून लेती हूँ। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट केले की सब्जी हमारी, सारी सब्जी हमारी भुनकर रेडी हो गई है। तो मैं यहाँ पे 1 बाउल पानी ऐड कर दूंगी। थोड़ा सा ही हमें पानी ऐड करना है, ज़्यादा नहीं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड किया हुआ और अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। मिक्स कर लेने के बाद इसे ढककर हम मीडियम टू लो फ्लेम पे 15 से 10 मिनट तक इसे अच्छे से हम पकने देते हैं। तो मैं इसे ढक देती हूँ। तो 10 से 15 मिनट बाद एक बार मैं सब्जी को चेक कर लेती हूँ। तो ये देखिए, सब्जी में अच्छे से बॉयल आना स्टार्ट हो गया। ये सब्जी भी हमारी बनकर एकदम रेडी हो चुकी है। तो इसी स्टेज पर मैं यहाँ पे गरम मसाला ऐड कर दूंगी। तो गरम मसाले में मैंने सिर्फ खड़ी वाली दालचीनी और इलायची को कूट लिया हुआ है। तो इसके बाद अब हम इसी में ऐड कर देंगे। ऐड कर लेने के बाद फिर से हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं सभी को, ताकि जो ये गरम मसाला उसका फ्लेवर सभी सब्जियों में एकदम अच्छे से आए। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा केले के फूल की सब्जी बनकर रेडी हो चुकी है। तो अब जो आप चाहे तो इसे चावल या पराठा दोनों के साथ खा सकते हैं। तो अगर आप सबको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो आप अपने अपने घरों में बनाइएगा और एक बार इसे ट्राई कीजिएगा।
तो होप गाइज आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।